क्या कारण है कि ये सभी प्लैनेट यहाँ तक कि सूर्य भी अपने औच पर घूमते रहते हैं? क्या कारण है कि पृथ्वी अपने औच पर लट्टू की तरह नाचता है? लेट्स स्टार्ट। पृथ्वी अपने अक्ष पर आखिर लट्टू की तरह क्यों घूमता है, इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का रहस्य को जानने के लिए हमको आज से करीब 5 अरब साल पहले जाना होगा। आज से करीब हम 5 अरब साल पहले आ चुके हैं। आज से 5 अरब साल पहले ना ही कहीं पर जीवन थी और ना ही कहीं इंसानी बस्ती थी, ना ही कोई सूर्य था और ना ही कोई भी ग्रह। उस समय पृथ्वी का भी निर्माण नहीं हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के धूल कण थे जो कि अंतरिक्ष में तैर रहे थे। यह धूल कण नवजात सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लिए थे। डिस्क में मौजूद हर छोटा से छोटा, हर बड़ा से बड़ा धूल कण लगातार नवजात सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह धूल कण नवजात सूर्य के ग्रेविटी के कारण चारों ओर चक्कर तो लगा ही रहे थे, साथ ही खुद में एक दूसरे से ग्रेविटेशनली कोलैप्स कर छोटे बड़े पिंड और ग्रहों का भी निर्माण कर रहे थे। डिस्क में मौजूद तमाम धूल कण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण लगातार नवजात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में लगातार 24x7 आवर्स चल रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, फिर लाखों सालों बाद फाइनली एक सुंदर सा ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था, जिसमें 8 ग्रह थे और एक बहुत ही बड़ा आग का गोला, जिसे आज हम उसे सूर्य कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर ये सभी ग्रह रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं। जब ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी यह डिस्क में मौजूद प्रत्येक धूल कण ग्रेविटेशनली नवजात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। नाउ वन ऑफ द बेस्ट साइंस थ्योरी ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। अगर कोई पार्टिकल वस्तु मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सेम कंडीशन यहाँ भी 8 ग्रह पर और सूर्य के साथ भी हुआ। 8 ग्रह का निर्माण ही घूमते हुए हुआ है, जिसके कारण उनमें जन्म से पहले ही एक एनर्जिया मौजूद है। सेम वही एनर्जिया आज भी सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर ग्रेविटेशनली और साथ ही अपने अक्ष पर घूमने के लिए मजबूर करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का घूर्णन गति रोटेशनल मोशन पहले बहुत ही ज्यादा थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 5 घंटा 46 मिनट में ही पूरा कर लेती थी, यानी कि जन्मजात पृथ्वी का एक दिन 5 आवर 46 मिनट का होता था। पर एक थिया नाम के पिंड जब पृथ्वी से आकर टकराया, जिसके बाद पृथ्वी का रोटेशनल मोशन कम होकर करीब 24 घंटा हो गया, 24 आवर्स, एक दिन करीब 24 आवर्स का होने लगा, जैसा कि आज भी हम महसूस करते हैं। बाद में वही थिया नामक ग्रह पृथ्वी का उपग्रह बना, जिसे हम आज चंदा मामा कहते हैं, और पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर आज भी चंदा मामा चक्कर लगाते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हम आपके रिव्यू को समझ पाएं, और प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।